बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ। लापा के बाबर के नाम से जो बहुत बड़ा मेरे मान है इतरमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने बात आप लोगों से आज करनी थी आर जे महविश के सिलसिले में, कि आर जे महविश ने कल बात की है अलीज़ा सैर के बारे में, तो उसकी कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने सोचा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। बात यह थी कि उसने कहा है कि अलीज़ा सैर ने क्या कारनामा किया है, अलीज़ा सैर क्या चीज़ है, अलीज़ा सैर एक गाय है और इतनी गंदी औरत है, उसने खुद मौका दिया किसी को। ठीक है, ये बातें मानते हैं हम कि अलीज़ा सैर ने खुद मौका दिया है ऐसा करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि अगर औरत ऐसी ना हो तो मर्द की हिम्मत ही नहीं है किसी औरत से बात कर सके। तो इसके बाद उसने कहा है कि उसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं, और 1 मिलियन से ज़्यादा सॉरी उसके सब्सक्राइबर हैं। मैंने तो 3 वीडियो उसकी देखी हैं जो इतनी ज़्यादा वायरल हैं कि 1.1 व्यूज़ इन पर आए, किसी पे 2 पॉइंट आए। तो उसको इतने उसका चैनल जो है ना वो तरक्की कर गया। तो मैंने उसके साथ ही चैनल बनाया था, मेरा चैनल नहीं इतना कर सका, कामयाबी हासिल नहीं कर सका, मैं इतनी कामयाब नहीं हुई। तो अलीज़ा सैर ने गलत तरीके से अपनी कामयाबी को हासिल की है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी आर जे महविश साहिबा को कि आर जे महविश साहिबा, आपको मेरी बातें लगेंगी गलत, आपको मेरी बातों से आग लगेगी, तो लगती रहे। मैंने कल देखी है जब आपकी वीडियो, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस महविश को, इस मैम को मैं जवाब देती चलूँ कि मैम साहबा आप ज़रा ख़ुद अपने आप को देखें। हम मानते हैं अलीज़ा सैर गलत है, गलत है, गलत है, सब कहते हैं गलत है, उसने जो किया है वो गलत है, और इसमें उसके अम्मी अबू भाई उसके बराबर के शरीक हैं। इसके बाद बात आती है आपकी, आप कहाँ की ठीक है मुझे बताएं। आपकी भी वीडियो कितनी ज़्यादा आ चुकी है और हर रोज़ यूट्यूब पे नोटिफिकेशन उनके आते हैं, लोग जो बनाते हैं आपके लिए वीडियो। इसके अलावा एक फैजू नामी शख्स के साथ आपकी जो बात हो रही थी फ़ोन पे, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो हो रही थी वो मैंने जब सुनी है ना, तो मुझसे वो सुना नहीं जा रहा था। कोई भी इज्जतदार जो औरत है ना वो ऐसी बातें नहीं सुन सकती, तो फिर मैंने वो वीडियो नहीं देखी। अगर सारी वीडियो देखती तो पता चलता कि आप किस पानी में हैं, आप भी किसी से कम नहीं हैं। फिर वो अल्लाह मियाँ की गाय है, जहरी बात है जी, आपने बात ठीक की है, वो अल्लाह मियाँ की गाय है आर जी महविश, क्योंकि वो गाय ना होती तो वो थोड़ी सी एहतियात करती, जैसे उसने बिगड़ती उसके साथ दिखाई थी वो एहतियात करती। आप जो है ना वो सियानी है, आप जो भी गलत काम करती हैं ना उसका प्रूफ भी आप मटा देती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मैं कुछ लोगों के कमेंट्स भी लगाऊंगी जिन्होंने आर जे महविश को उसकी औकात याद दिलाई है, तो मैं ये उनके लिए कहना चाहूँगी कि आपने जो अपने हस्बैंड के होते हुए, पहले हस्बैंड के होते हुए जिससे आपके 5 बच्चे हैं आर जे महविश साहिबा, और आपने उस बंदे के साथ रहते हुए इस अपने कज़न के साथ जो आपने नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हुए थे, इसके बाद आपने उसको छोड़ा, उस बेचारे को बेकसूर इंसान को बिना किसी कसूर के आपने छोड़कर इस मसाद की मसामात आप जब बनी, तो उसको छोड़ा ना आपने, 5 बच्चों को की ज़िंदगी भी आपने बर्बाद कर दी, अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से कब्र में उतारा आपने। क्योंकि कितने लोग कहते हैं कि ऐसे ना बुला करो कि मुस्कान ज़ारा के बारे में कि वो ज़िंदा है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास उसकी वीडियो, आखिरी रसूमात की वीडियो है मेरे पास, तो मेरे यकीन कर लिया क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, तो आँखों देखी बात ना हो वो मैं नहीं करती। तो उन्होंने ये कहा है कि मुस्कान ज़ारा को भी मारने वाली उसकी माँ है, क्योंकि वो ताने तशनी उसको देती थी, तो इस वजह से वो बेचारी तंग आके तो उसने सुसाइड कर ली। तो बिल्कुल यही हुई होगी, क्योंकि ऐसी जालिम माँ जो दुबई गई थी अपने सैर सपाटे के लिए और अपनी कुंवारी बच्ची को घर छोड़ के गई थी, और वहाँ जाके इसने अपने बस की एंजॉयमेंट किया, तो उसकी बेटी मासूम थी, कम उम्र थी,
यही तो एज होती है बच्चों की, बिगड़ने की भी और संवरने की भी, इसमें माँ बाप की तरबियत का हाथ होता है। तो बेटी इधर थी बेचारी, उसकी जैसे भी हुई थी इंगेजमेंट, अभी उसके लिए हुई थी जैसे भी, लेकिन उस बंदे के साथ अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए बात करना अच्छी बात नहीं होगी। तो उन लोगों को मौका किसने दिया है? इस मुस्कान ज़ारा की माँ ने। तो वो उसके साथ जाती रही है, आगे पीछे घूमते रहे हैं, तो फतवाए उसे लेते रहे हैं। तो फिर ये सारी बात है कि इतने हद तक बंदा क्लोज आए तो हर बात की तवक्के की जाती है। तो अब आप जो गैर मर्दों के सामने जाती हो आज, मैं वो सर से दुपट्टा उतारा होता है तुम्हारी इस कंडीशन में भी तुमने कभी पर्दा नहीं किया। गैर मर्दों के साथ तुम औरत वीडियो जाके बनाती हो, गैर मर्दों के साथ तुम पार्टियां करती हो, तुम कहाँ की पर्दादार हो? आज सर पे दुपट्टा ओढ़ कर, अचाप ओढ़ कर लोगों के बारे में फतवे लगाने वाली तुम होती कौन हो? ज़रा अपने बारे में भी सोच लो, अगर तुम ठीक होती औरत, पर्दादार औरत होती, ठीक है तुम व्लॉगिंग करती, लेकिन पर्दादार औरत होती तो फिर मेरा काम ही नहीं बनता था कि मैं तुम पे वीडियो बनाती। लेकिन मैंने तुम्हारे करतूत देखे, तुम्हारी बातों को लेकर ना मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी आई है कि मैं इस औरत को देख रही हूँ, क्योंकि ये औरत खुद इस काबिल भी नहीं है कि इस औरत की बात भी की जाए और इस औरत की वीडियोस भी देखी जाए। लेकिन तुम्हें बिल्कुल एक लम्हा के लिए भी शर्म नहीं आई, एक लम्हा के लिए भी तुमने ये नहीं सोचा कि मैं खुद कैसी हूँ और मैं खुद उस औरत के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है वो औरत गलत है, हम सब मानते हैं कि वो औरत गलत है, लेकिन आप कहाँ की ठीक हो? तुम कितनी सारी ठीक हो जिसको अपने ख्याल नहीं है? एक बेटी बच्ची है वो कि दूसरे बेटे के साथ और उस गैर बच्चे के साथ तुमने सुलाई होती है उस कमरे में, तुम खुद ऐसे कर रही होती हो, और ये जैसे तुम 16 साल की हो, खुद अपनी एज देखी है तुमने? और तुम्हारे जो नखरे हैं, तुम्हारे जो आते हैं, जो तुम्हारी ड्रेसिंग होती है, उसको देखकर कोई कह सकता है कि ये जवान होते बच्चों की माँ है जिसकी बेटी खुद इसके हाथों से चली गई है? शर्म तुमको नहीं आती आरजी? मैं वही सर से दुपट्टा उतार के, तुम खुद को पता नहीं किस रियासत की मलका समझती हो और कितनी तुम हुसन की मलका समझती हो, मलका एकलोपत्रा तुम हो, जैसे खुद को तुम जाहिर करती हो। अपने करतूतों पर भी नज़र डालो, फिर दूसरों के करतूत आके बयान किया करो। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा जो है ना वो एक नंबर से भी गिरा हुआ है। जीरो औरत तो तुम, जीरो औरत पता है जीरो औरत तो किसको कहते हैं? जीरो औरत उसको बोला जाता है ना जिसका किरदार, जिसका करेक्टर लूज हो, और तुम लूज करेक्टर औरत हो। तुम जैसे करती हो हर किसी मर्द के साथ जाती हो कि तुम्हारी माँ जाए नहीं है, तुम्हारे कोई भाई नहीं है ना, वो कोई गैर लोग हैं। कल जैसे तुम अपने उस जो तुम्हें मिल गया है बेटे की उम्र का मर्द, उसको छोड़ के जो एयरपोर्ट आई हो और उसको साथ जो था ड्राइवर, उसकी बीवी बैठी हुई थी, तुमने ये नहीं किया कि मैं उसकी बीवी को आगे बैठा दूँ? जाते हुए तो मैं आगे बैठ जाऊँ, पीछे बैठ जाऊँ ना? चलो जाते हुए तो तुम्हारा वो साथ था, उसके साथ तुम बैठी हुई थी, लेकिन वापस घर जाते हुए तो तुम वहाँ बैठ जाती? तुम्हें शर्म हया नाम की चीज़ छू करने की गुजरी? तुम सर से दुपट्टा उतार लोगों को क्या दिखाना चाहती हो? अपनी बॉडी लैंग्वेज देखी है तुमने? जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, कभी तुम कहती हो कि मैंने सर से दुपट्टा उतारा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह मैंने कपड़े नहीं उतारे हैं। तुम जैसी गंदी गंदी बातें आके अपनी वीडियोज में करती हो, तो तुम जैसी हो वैसी अलीज़ा सैर है, बल्कि अलीज़ा सैर से भी 4-5 हाथ आगे हो तुम। अलीज़ा सैर तो फिर ये वाले करतूत किया ना जो उसका जहर हो गया है, लेकिन तुम छुपे हुए करतूतों की मालिक हो। अल्लाह जाने तुम्हारे क्या क्या करतूत हैं, तुम उनको सामने लेकर आती हो या नहीं लेकर आती हो? तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि तुम्हारी बेटी के करतूत जहर हो गए बेचारी के, और वो भी माँ की वजह से जहर हुए, क्योंकि उसको मारने वाली तुम हो। तुमने बोला था कि तुम मर जाओ, मैं एक और मुस्कान ज़ारा बना रही हूँ। तुम्हें तो क्या है, तुम्हें तो जवान हस्बैंड मिल गया, तुम्हें एक और बेटी मिल रही, इसके बाद एक और आने वाली है, और तुमने बच्चों का भी नहीं ख्याल किया। अरे बच्चों के ढेर पे ढेर लगाए जा रही हो, कभी दुबई घूमने जा रही हो, कभी किधर जा रही हो। तुमने कब नहीं कहा किसी यूट्यूबर के बारे में, कब बात नहीं की? झूठ बोलती हो तुमने। वो जो खोजी चचा है उनके बारे में कितनी बकवास की, बाकी लोगों के बारे में तुमने कितनी कितनी बकवास की, भूल गई वो बातें कि मैं जा तक उड़ाऊँ तुम्हें? तुम्हें देख कर ना मेरा इतना खून खोलता है ना कि मैं तुम पे ज्यादा से ज्यादा बातें करें, ये डरावे किसी और को देना। हाँ तुम जैसी औरतें मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी हुई हैं, अपने साथ 4-5 अपने जैसे गुंडों को मिलाकर तुम कहती हो कि रिएक्शन वाले मेरे खिलाफ बातें ना करें। शर्म का मकाम है डूब मरने का, चल ऊपर पानी में डूब के मर जाओ कभी मौका मिले तो। अच्छा
आई है बड़ी बीहाचिन बनकर और हजाब ओढ़ कर बातें कर रही है, रिएक्शन दे रही है। कभी किसके पास चली जाती है मांगने के लिए, कभी टसवे बहाती है पैसों के लिए, कभी कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, कभी कहती है कोई ओवरसीज पाकिस्तानी मेरी मदद कर दो, मेरा हस्बैंड मुझे दे नहीं रहा है। कभी उसको पाँव तले तुम रोनती हो, पाँव की जूती बनाती हो, और कभी उसको सर का साय बना लेती हो। ये है तुम्हारी औकात। बस यही आपसे बातें शेयर करने थी कि मगरब का नमाज का टाइम होने वाला है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।